नमस्कार, फिल्मी बीट में आप सबका स्वागत है। कुछ कहानियाँ जो बिल्कुल अलग होती हैं और उन कहानियों के किरदार उसमें रमे नजर आते हैं, ऐसे ही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के आयुष्मान खुराना, जो अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने पहचाने और पसंद किए जाते हैं। आयुष्मान इंडस्ट्री का वो नाम बन चुके हैं जिनका फिल्मों में होने का मतलब ये तो तय है कि फिल्म कुछ नहीं बल्कि बहुत अलग होगी। 2012 में विकी डोनर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले ये मल्टी टैलेंटेड एक्टर अपनी आउट ऑफ द बॉक्स फिल्मों के सिलेक्शन और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। दम लगा के हईशा, बरेली की बर्फी और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्मों में चॉकलेट बॉय वाला किरदार निभाने के बाद आयुष्मान ने अंधाधुन में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से ऑडियंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया। हालिया एक्टर की रिलीज फिल्म आर्टिकल 15 सुपर डुपर हिट रही और आयुष्मान खुराना को फिल्म के लिए बेशुमार सराहना भी मिली। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त आयुष्मान के पास कई धाकड़ फिल्में हैं जिसमें वो एक बार फिर से बैक टू बैक हिट देते नजर आ सकते हैं। आयुष्मान अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में काफी बिजी हैं और 2020 तक के प्रोजेक्ट्स आयुष्मान के लिए लाइंड अप हैं। तो आइए आपको आयुष्मान की अपकमिंग प्रोजेक्ट से रूबरू कराते हैं। ड्रीम गर्ल, आपको बता दें ड्रीम गर्ल एक कॉमेडी फिल्म है। इस अजीब कॉमेडी में आयुष्मान के ओपोजिट सोनू के टीटू की स्वीटी की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा नजर आएंगी। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि आयुष्मान खुराना टाइटल किरदार निभाते नजर आएंगे। यही वजह है कि व्यूअर्स ड्रीम गर्ल के लिए काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म एकता कपूर द्वारा निर्मित, राज शांडिल द्वारा निर्देशित की जाएगी। खुशी की बात तो ये है कि ड्रीम गर्ल बहुत जल्द यानी कि 13 सितंबर को स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरने वाली है। बाला, आयुष्मान और भूमि की जोड़ी को भला कौन नहीं पसंद करता। ये जोड़ी दम लगा के हईशा और शुभ मंगल सावधान जैसी हिट फिल्म करने के बाद अपनी नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म बाला में साथ नजर आने वाली है। आयुष्मान खुराना इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। बाला एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके समय से पहले बाल झड़ गए हैं और वो कैसे इस सिचुएशन से निपटता है ये दिखाया गया है। फिल्म में यामी गौतम, भूमि पेडनेकर, सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पहवा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित ये फिल्म 22 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए आ रही है। शुभ मंगल ज्यादा सावधान, शुभ मंगल सावधान की शानदार सक्सेस के बाद निर्माताओं ने शुभ मंगल ज्यादा सावधान नाम की फ्रेंचाइजी के दूसरे पार्ट की घोषणा की है। ये सीक्वल एक होमोसेक्सुअल लव स्टोरी है। हितेश केवले द्वारा निर्देशित ये फिल्म अगले साल वैलेंटाइंस डे पर रिलीज होगी। गुलाबो सिताबो, गुलाबो सिताबो एक अनोखी एंटरटेनमेंट कॉमेडी है जिसमें पहली बार आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आएंगे। गुलाबो सिताबो का निर्देशन शुजीत सरकार ने किया है। रोनी लाहिड़ी और शील कुमार द्वारा निर्मित है ये फिल्म और अगले साल ये 24 अप्रैल को रिलीज होगी। तो ये है आयुष्मान की आने वाली वो फिल्में जिनका इंतजार आयुष्मान के फैंस को बेसब्री से है और उम्मीद यही है कि इन फिल्मों के जरिए भी आयुष्मान एक बार फिर से पर्दे पर धमाल और कमाल करते नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।